अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम 8th क्लास इंग्लिश की 2.1 ट्राई अगेन इस पोएम के वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश वर्कशॉप और एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। ऐसे पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। वर्ड्स मीनिंग है ट्राई यानी कोशिश करना, हीड तवज्जो देना, प्रिजर्व परसिवियर यानी कामयाब होने तक जद्दोजहद करना, कॉन्कर जीतना, कामयाब होना, प्रिवेल गालिब आना, स्ट्राइव सख्त कोशिश करना, स्ट्रगल जद्दोजहद करना, डिसग्रेस बेइज्जती। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, इसके आंसर्स डायरेक्ट दिए हैं। इफ़ यू डोंट डैश था यहाँ पर सक्सीड लिखना है, इफ़ यू डोंट सक्सीड इन द बिगिनिंग यू शुड ट्राई अगेन। उसके बाद शो यूअर डैश यानी करेज टू विन विदाउट फियर, यू विल गेट यूअर डैश यानी रिवार्ड एट द राइट टाइम, द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायर्ड वेन वी आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस इज पेशेंस। इफ़ यू डोंट सक्सीड, अगर आप कामयाब नहीं होगे इन द बिगिनिंग शुरुआत में तो आपको ट्राई करना है, आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए। शो यूर करेज टू विन विदाउट फियर, अपनी हिम्मत बताओ ताकि आप बेखौफ कामयाब हासिल कर सको। यू विल गेट योर रिवार्ड एट द राइट टाइम, आपको अपने काम का बदला सही वक्त पर मिलेगा। द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायर्ड वेन वी आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस इज पेशेंस, सबसे अहम जो खसूसियत है कामयाबी के लिए वो क्या है जद्दोजहद के दौरान, वो है सब्र, पेशेंस। यहाँ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, पिक आउट द लाइन्स, इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग विदाउट अ डाउट यू शैल विन, इसका आंसर क्या है, फॉर इफ़ यू विल परसिवियर यू विल कांकर नेवर फियर। उसके बाद दूसरा है व्हेन यू फेल इन योर अटेम्प्ट मेक अनदर अटेम्प्ट, इसका आंसर क्या है, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। उसके बाद तीसरा है व्हेन अदर्स कैन डू द वर्क सो कैन यू इफ़ यू कीप ट्राइंग पेशेंटली, ऑल डैट अदर फोक कैन डू कॉमा व्हाई विद पेशेंस मे नॉट यू। क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, व्हाट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड, कौन सा सबक हमेशा जहन में रखना चाहिए, इसका आंसर क्या है, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यू शुड ट्राई अगेन टू गेट सक्सेस, अगर आपको शुरुआत में कामयाबी नहीं मिलती तो आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। दिस लेसन शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड, ये सबक हमेशा जहन में रखना चाहिए। दूसरा, व्हेन डू वी जनरली फील अशेम्ड, अक्सर हमें शर्मिंदगी कब महसूस होती है, इसका आंसर क्या है, वी जनरली फील अशेम्ड व्हेन वी फेल टू अचीव सक्सेस इन द वर्क व्हेन वी हैव अंडरटेकन, हम अक्सर शर्मिंदगी महसूस होते हैं जब हम नाकाम हो जाते हैं और जो काम लिया वो पूरी तरीके से नहीं होता। वी ऑल्सो समटाइम्स फील अशेम्ड व्हेन वी थिंक डैट पीपल विल लाफ एट अस फॉर आर फेलियर, और अक्सर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम सोचते हैं कि अगर हम नाकाम हुए तो लोग हम पर हंसेंगे। व्हाट शुड समवन हु लूजेस अ रेस डू, अगर कोई अपने रेस हार जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, इफ़ समवन लूजेस अ रेस ही शी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ हिज हर फेलियर्स, अगर कोई रेस हार जाता है तो उसे अपनी अपने फेलियर पर शर्मिंदगी नहीं महसूस करना चाहिए। ही शी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टू विन द रेस, उसे बार बार कोशिश करते रहना चाहिए ताकि वो उस रेस को जीत सके। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट रूल्स मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड, कौन से रूल्स हमेशा जहन में रखने चाहिए, व्हेन अदर पीपल कैन गेट सक्सेस विद देयर पेशेंस यू कैन ऑल्सो डू इट इन द सेम वे, अगर दूसरे लोग कामयाबी के लिए सब्र से काम ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते, बट डोंट फॉरगेट टू ट्राई अगेन एंड अगेन, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि आपको बार बार कोशिश करती रहना चाहिए, टिल यू सक्सीड जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। दीज आर द रूल्स डैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये उसूल है जिसे आपको जहन में रखना चाहिए। एक्टिविटीज़ ऑफ एनाग्राम, ये इंग्लिश वर्कशॉप की पहली एक्टिविटी है। पहला है रेनी टैग यानी ट्राई अगेन, ये एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम में आपको अल्फाज का जो हर वर्ड्स का हेर फेर है आगे पीछे किया जाता है, आपको उसको मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे रेनी टैग को ट्राई अगेन बनाया है, आवर केज को करेज बनाया, वेट स्टीर को स्ट्राइव बनाया, रेड रॉ को रिवार्ड बनाया,
टैपनीस को पेशेंस बनाया, सर्वे पीर को परजेवियर बनाया। तो इस तरीके से आप एनाग्राम बना सकते हैं। कंप्लीट द वेब डायग्राम। व्हाट लीड्स टू सक्सेस, कामयाबी के लिए आपको क्या कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। पहला क्या है, पेशेंस यानी सब्र, स्ट्राइविंग यानी जद्दोजहद करना, करेज यानी हिम्मत, परजेवरेंस मुस्तकिल मिजाजी, और ट्राई अगेन और बार बार कोशिश करते रहना। लाइन्स ऑफ ट्रूथ और अ प्रोवर्ब यानी जो सच्चाई की सही या प्रोवर्ब ऐसी लकी इसमें लाइन्स दी गई है पोएम में वो बयान करना है। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, अगर पहली ही बारी में अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपको दोबारा कोशिश करना चाहिए। इफ़ यू परसेवियर विद करेज यू विल कंकर, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप हिम्मत से काम लेंगे तो आप यकीनन जीतेंगे। दो आफ्टर स्ट्राइविंग यू डू नॉट विन, इट इज़ नो डिसग्रेस, अगर जद्दोजहद करने के बावजूद आप जीतते नहीं हैं तो ये आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, यानी आपके फेलियर की बात नहीं है, आपकी नाकामी की बात नहीं है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, सो बी पेशेंट, वक्त ही आपके लिए एक रिवार्ड लेकर आएगा, तो आपको क्या करना है, सब्र से काम लेना है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, टाइटल ऑफ द पोएम, टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, ट्राई अगेन, टाइटल यानी पोएम का नाम को कहते हैं। नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम क्या है, डब्ल्यू ई हिकसन। द पोएम हैज़ 6 स्टैंजाज ईच ऑफ 4 लाइन्स, पोएम में 6 स्टैंजा है 4 लाइन के। द लाइन्स डॉट राइम इन ईच स्टैंजा यानी ऐसे लाइन्स जिसमें खाफिये दिए गए हैं, राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, ये कौन से है, ये पहले स्टैंजा की चौथी, दूसरे की तीसरी, तीसरे स्टैंजा की चौथी, चौथे स्टैंजा की तीसरी, पांचवे स्टैंजा की चौथी लाइन और छठे स्टैंजा की तीसरी लाइन में आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। ट्राई अगेन इज़ अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम यानी इसमें रिपीटेड एक्सप्रेशन ऑफ द पोएम क्या है, ट्राई अगेन। थीम ऑफ द पोएम क्या है, ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड फाइनली, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि आपको कामयाबी ना मिले। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात।